दोस्तों आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कि बिजनेस अकाउंटिंग में गोल्डन रूल्स के बारे में, डेबिट और क्रेडिट के बारे में, और जब हम किसी बिजनेस की अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं तो हम कितने टाइप के अकाउंट्स को हमें फॉलो करना पड़ता है। तो दोस्तों अगर आप एक परफेक्ट अकाउंटेंट बनना चाहते हो तो आपको टेलीविजन सॉफ्टवेयर या कोई बिजी सॉफ्टवेयर या कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सीखने से पहले आपको बिजनेस के गोल्डन रूल्स के बारे में पता होना चाहिए, डेबिट और क्रेडिट का अच्छा नॉलेज होना चाहिए कि हम किसको और किस कंडीशन में हम डेबिट करते हैं और कब हम क्रेडिट करते हैं। तो आपको कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आपको अकाउंटेंट नहीं बना सकता। अकाउंटिंग के जो गोल्डन रूल्स हैं, डेबिट क्रेडिट की जो स्टोरी है और जो हमारे बिजनेस के अकाउंट्स के जो मेथड हैं, वही आपको एक परफेक्ट अकाउंटेंट बना सकते हैं। तो ये आज की वीडियो स्पेशल उन लोगों के लिए प्रैक्टिकल रहने वाली है जो अकाउंट्स के फील्ड में अपना करियर है जो बनाना चाहते हैं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम आपको डेबिट और क्रेडिट की जो स्टोरी है वो आपको प्रैक्टिकल तरीके से इजी लैंग्वेज के अंदर आपको बताने वाले हैं और किस किस टाइप को हमें फॉलो करना पड़ता है। तो आपको सारी स्टोरी इजी लैंग्वेज में समझ में आ जाएगी। बस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, कोई भी स्टेप इस वीडियो का स्किप मत करना। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहन सुथार और स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन भी है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी आप जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि आगे भी आपको इस चैनल पर इसी टाइप की नॉलेजेबल वीडियो लगातार मिलती रहेगी। और आज की वीडियो पसंद आए, नॉलेजेबल लगे तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं बिजनेस की अकाउंटिंग। तो दोस्तों जब हम बिजनेस की अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं ना, तो हमारे सामने तीन टाइप के लेजर हमें फेस करने को पड़ते हैं। पहला पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट और तीसरा है नॉमिनल अकाउंट। यानी कि ये बिजनेस की जितनी भी हमारी अकाउंटिंग है इन तीन अकाउंट्स के ऊपर ही डिपेंड करती है। अब बात आएगी कि हम पर्सनल अकाउंट किसको बोलते हैं। तो दोस्तों पर्सनल अकाउंट का मतलब हो गया व्यक्तिगत खाते, यानी कि जिसके साथ हम डायरेक्ट है, जो हमारे रिलेशन रहते हैं, जैसे कि कोई कंपनी का नाम हो सकता है, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के रूप में लिखा हुआ है राम ट्रेडर्स, कोई एक कंपनी का नाम हो सकता है, कोई इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है सोन के नाम से, मोहन के नाम से, मदन के नाम से, या कोई बैंक है, कोई संस्था है, कोई ट्रस्ट है, यानी कि जिसके अंदर हम जिनके साथ हम रिलेशन बना सकते हैं, तो वो हमारे पर्सनल अकाउंट होते हैं, यानी कि व्यक्तिगत खाते। और रियल अकाउंट की अगर हम बात करें तो रियल अकाउंट के अंदर क्या रहेगा, जो हमारे गुड्स हम परचेज करते हैं या सेल करते हैं, यानी कि हमारे बिजनेस के अंदर जो भी सामान आता है या जो सामान हमारे पास से जाता है, तो वो हमारा रियल अकाउंट होता है। उसके अलावा जो केस है वो भी हमारे बिजनेस का एज ए रियल ही कहानी है। हम जब इसका प्रैक्टिकल समझेंगे तब और ज़्यादा इसको डीपली में समझ में आ जाएगी। और उसके बाद में नॉमिनल अकाउंट के अंदर क्या होता है कि हमारे बिजनेस के जितने भी एक्सपेंसेस यानी कि जो खर्चे होते हैं या फिर बिजनेस में जितने भी कोई इनकम के पार्ट होते हैं, इनकम के जो भी लेजर होते हैं, वो हमारे नॉमिनल अकाउंट के अंदर कवर होते हैं। तो दोस्तों अब सबसे पहले बात हम करते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है गिवर क्रेडिट और जो रिसीवर है वो डेबिट होता है। अब गिवर का मतलब कौन हो गया, सामान को देने वाला, केस को देने वाला, ठीक है, और रिसीवर कौन हो गया भी जो हमारे से सामान को लेके जा रहा है या कोई पैसा हमारे से लेके जा रहा है, वो हो गया रिसीवर। और गिवर कौन हो गया, जिसने हमारे को सामान दिया या हमारे को पैसा दिया है, वो हमारे लिए गिवर हो गया। और उसके बाद में सबसे पहले हम इसको एक थोड़ा सा एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हमने फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है भी गुड्स परचेज फ्रॉम MS ट्रेडर्स। अब यहाँ पर हमने लिखा है कि हमने MS ट्रेडर से 13,140 रुपए का सामान खरीदा है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो स्टोरी समझनी पड़ेगी भी ये जो वर्डिंग जो लिखी गई है, ये वर्डिंग किसकी तरफ से लिखी गई है, MS ट्रेडर्स की तरफ से लिखी गई है या मेरी कंपनी की तरफ से लिखी गई है। तो मैं अगर मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ तो ये मैं मान के चलूँगा कि मैंने MS ट्रेडर्स से 13,140 रुपए का कोई प्रोडक्ट मैंने परचेज किए हैं, ठीक है। तो मैंने परचेज किए हैं, इसका मतलब क्या होगा, ये जो गुड्स है यानी कि ये जो मैंने सामान खरीदा है ये मेरी कंपनी में आया है, मेरी दुकान के अंदर ये सामान आया है। अब हम बात करते हैं कि सामान तो आ गया, फिर इस सामान को दिया किसने है, MS ट्रेडर्स ने। अब यहाँ पर दो टाइप के अकाउंट्स है जो फॉलो हो रहे हैं, कौन सा, अब MS ट्रेडर्स कौन सी कैटेगरी के अंदर आएगा, पर्सनल अकाउंट के अंदर, और गुड्स किसकी कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं, रियल अकाउंट के अंडर में। अब हम इसकी स्टोरी को समझते हैं भी रियल अकाउंट्स परचेज किए, इसका मतलब सामान हमारे बिजनेस के अंदर आया है,
और देने वाला कौन है, एमएस ट्रेडर्स। अब एमएस ट्रेडर्स की कहानी क्या बनेगी रूल के अनुसार, तो हमने यहां पर लिखा हुआ है बी गिवर क्रेडिट। अब सामान को किसने दिया था, एमएस ट्रेडर्स ने। अब जो सामान, जिसने हमारे को सामान दिया, हम उसके लेजर को क्या करने वाले हैं, क्रेडिट करेंगे। और गुड्स या केस अगर हमारे बिजनेस के अंदर आएगा तो क्या होगा, डेबिट होगा। अगर गुड्स या फिर केस अगर हमारे बिजनेस से जाएगा तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो इस कंडीशन के अंदर क्या हो रहा है, सामान हमारे बिजनेस के अंदर आ रहा है, तो सामान हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट। और क्रेडिट हम किसको करेंगे, गिवर यानी कि जिसने सामान हमारे को दिया है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम क्या करने वाले हैं, ये जो हमारा एमएस ट्रेडर्स है, अब ये हो जाएगा हमारा क्रेडिट, ठीक है। और गुड्स क्या रह जाएगा, ये हमारा हो जाएगा डेबिट, क्योंकि गुड्स हमारे बिजनेस के अंदर आया है। आई होप आप अच्छी तरीके से इसको अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। तो मैं यहां पर इसके नीचे लिख देता हूं, ये हमारा जो गुड्स है इसकी अब जनरल एंट्री की अगर बात करें तो हम क्या लिखेंगे, गुड्स परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो क्रेडिट कौन होगा इसके अंदर, एमएस ट्रेडर्स, क्योंकि रूल के अनुसार क्या आता है कि जिसने हमारे को सामान दिया है, हम उस पार्टी के, उस कस्टमर के, उस ट्रस्ट के, उस संस्था की हम क्रेडिट करेंगे। तो एमएस ट्रेडर्स को हम करने वाले हैं क्रेडिट। अमाउंट आपके लिए दोनों ली दोनों साइड बराबर चलेगी। 13,140 रुपए का सामान हमारे बिजनेस में आया है, तो हम क्या करने वाले हैं, 13,140 रुपए ही इस दुकानदार के, एमएस ट्रेडर्स के कंपनी के जमा करेंगे। अब जमा करने का मतलब क्या हो गया, भी हमने 13,140 रुपए का भुगतान अभी भी एमएस ट्रेडर्स को करने वाला बकाया पड़ा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, भी ये जो सामान हमने खरीदा वो उधार में खरीदा है, क्रेडिट में खरीदा है। अब आप सोचोगे भी क्रेडिट और उधार लग गया, तो आप इसको ये समझ के चलो भी हमने एमएस ट्रेडर्स से ये सामान है जो उधार खरीदा है। तो सामान तो हमारे पास आ गया, तो हमने एमएस ट्रेडर्स के ये 13,140 रुपए हमारे अकाउंट्स के अंदर इनके जमा किए हैं, हमें इसका भुगतान अभी करना है। अगर हम सेकंड ट्रांजेक्शन की बात करें, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है बी केस पेड टू एमएस ट्रेडर्स, केस पेड टू एमएस ट्रेडर्स यानी कि केस पेड किया है। अब केस पेड किया इसका मतलब क्या हुआ, भी ये किस कौन से अकाउंट्स का पार्ट हो रहा है, यहाँ पे रियल बिजनेस रियल अकाउंट का, ठीक है। और केस पेड किया यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, भी पैसा हमारी कंपनी से निकला है। पैसा अगर हमारी कंपनी से निकला है, एक बात होती होगी पैसा निकला है, तो फिर पैसा गया कहाँ पे है, एमएस ट्रेडर्स के पास में। तो अब हमारे से पैसे को लेने वाला कौन हो गया, एमएस ट्रेडर्स, और जा कह रहा है हमारे दुकान से, हमारे कंपनी से कैश। अब हम रूल की अगर हम बात करें तो रूल आपका क्या कह रहा है, भी अगर गुड्स या कैश अगर आपकी बिजनेस से जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और रिसीवर कौन है यहाँ पे, यानी कि जो पैसा हमारे से निकला, तो पैसा लेने वाला कौन है, एमएस ट्रेडर्स। तो अब एमएस ट्रेडर्स को हम क्या करेंगे, डेबिट। तो अब इसकी जनरल एंट्री हमारे लिए क्या बनने वाली है, एमएस ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट हम किसको करने वाले हैं, रियल अकाउंट यानी कि केस के अकाउंट को। अमाउंट दोनों के लिए बराबर आपकी चलेगी 2,000, और कैश भी आपके अकाउंट से कितना निकला है आपकी कंपनी में से, 2,000 का। ट्रांजेक्शन नंबर अगर हम 3 की बात करें, भी शॉप एक्सपेंसेस इन कैश यानी कि हमने 100 रुपये का दुकान का कोई खर्चा किया है, कोई एक्सपेंसेस हमने किया है, ठीक है ना। अब कैश हमने किया है, कैश का खर्चा किया है, तो अगर हम बिजनेस के अंदर कोई कैश का कोई खर्चा करते हैं तो कैश हमारे बिजनेस से क्या निकलता है, हमारी दुकान से, हमारी कंपनी से, हमारे बिजनेस से कैश है जो हमेशा आउट होता है, ठीक है। अब आउट हो गया, कैश तो हो गया, अब कैश को लिया किसने है, लिया किसी ने नहीं है, हमने हमारी कंपनी के लिए खर्चा किया है, जो कि एक तरीके का जिसकी रिकवरी की संभावना 0 है। अब पैसा तो हमारी बिजनेस से यहाँ से भी निकला था और यहाँ पर भी निकल रहा है, लेकिन यहाँ पर हमने किसी पर्सनली पार्टी को दिया था, पर्सनली व्यक्ति को दिया था, लेकिन यहाँ पर हमने बिजनेस का खर्चा किया है। तो अब खर्चे की कहानी क्या कहती है रूल के अकॉर्डिंग, यहाँ से आप देख सकते हो भी एक्सपेंसेस यानी कि हमारे बिजनेस के जितने भी खर्चे हैं वो सारे के सारे डेबिट होते हैं, और इनकम होती है वो क्रेडिट होती है। और इस कंडीशन के अंदर क्या हो रहा है कि कैश हमारे बिजनेस से जा रहा है, तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और एक्सपेंसेस क्या हो जाएगा, डेबिट। यानी कि हर एक लाइन के अंदर आपका एक क्रेडिट होता है और एक है जो डेबिट होगा। अब इसकी जनरल एंट्री क्या बनने वाली है,
शॉप एक्सपेंसेस, अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट हम किसको करने वाले हैं, केएस अकाउंट को। अमाउंट आपके लिए दोनों के लिए बराबर रहेगी 100 रुपीज, और आपके बिजनेस से केस कितना निकला है वो भी 100 रुपीज ही निकले हैं। तो यानी कि शॉप एक्सपेंसेस यानी कि खर्चे हैं, खर्चे हमेशा डेबिट होते हैं, और केस क्रेडिट इसलिए हो रहा है क्योंकि केस हमारे बिजनेस से निकल रहा है, जा रहा है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की अगर हम बात करें, गुड सेल टू अमित कुमार, यानी कि हमने सामान को बेचा हुआ है, किसको बेचा है, अमित कुमार को। अब अमित कुमार यहां पर क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट, क्योंकि ये व्यक्तिगत आदमी है, किसी पर्सनल आदमी का नाम है, तो हमने अमित कुमार ये आ गया हमारा पर्सनल अकाउंट में, और ये पर्सनल अकाउंट का रिलेशन किससे हो रहा है, क्योंकि हमने इसको सामान सेल किया है, तो ये गुड्स हमारे लिए अब क्या चीज हो जाएगा, रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट की कंडीशन में क्या होता है कि अगर गुड्स हमारे बिजनेस से जाता है तो हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो गुड्स क्रेडिट हो गया तो फिर जो रिसीवर होता है गुड्स को लेने वाला कौन है हमारे से, अमित कुमार। अमित कुमार के अकाउंट में हम क्या करने वाले हैं, डेबिट करने वाले हैं। अब रूल की बात करें तो रूल के अंदर भी हम यही देख सकते हैं, जो रिसीवर है सामान किसने लिया, अमित कुमार ने, वो हमारे से रिसीव कर रहा है इसलिए हम उसको डेबिट करेंगे, और गुड्स क्या हो रहा है, हमारे बिजनेस से जा रहे हैं तो इस कंडीशन के अंदर उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो अब इसकी जर्नल एंट्री हमारे लिए क्या बनने वाली है, सबसे पहले हम डेबिट वाले लेजर को पहले हम लिखते हैं, तो अमित कुमार को अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, और क्रेडिट हम किसको करने वाले हैं, गुड सेल। ओके, और यहां पर अमाउंट्स है जो दोनों के लिए बराबर चलेगी, अमित कुमार का अमाउंट का हम अगर 1500 रुपए से डेबिट करेंगे तो जो हमारा गुड्स का अकाउंट है सेल का, उसके अकाउंट को भी हम 1500 रुपए से ही क्रेडिट करने वाले हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की अगर हम बात करते हैं, केस रिसीव्ड फ्रॉम अमित कुमार, केस रिसीव यानी कि हमने पैसा लिया है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पैसा हमारी कंपनी के अंदर आ रहा है, यानी कि इन हो रहा है, और फिर पैसा आ कहां से रहा है, अमित कुमार से, तो अब देने वाला कौन हो गया, अमित कुमार। अब देने वाले को हम क्या करेंगे, क्रेडिट, क्योंकि रूल यही कहता है भी जो गिवर है उसको हम क्रेडिट करते हैं, और केस अगर आपके पास आ रहा है तो केस को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो इस अनुसार हमारी ट्रांजैक्शन क्या आने वाली है, केस का अकाउंट है जो हमारा डेबिट हो जाएगा, और क्रेडिट हम किसको करने वाले हैं, अमित कुमार को। ठीक है, अमाउंट्स दोनों के लिए बराबर है, 1000 हमारे बिजनेस के अंदर आया है तो हम अमित के अकाउंट के अंदर भी 1000 रुपीज है जो क्रेडिट करेंगे, यानी कि अमित कुमार के जमा करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की अगर हम बात करते हैं, गुड सेल इन केस, यानी कि हमने 500 रुपए का नगद सामान सेल किया है। अब इस कंडीशन के अंदर क्या हुआ, गुड सेल किया हुआ, एक बात तो है कि सामान आपका गुड्स है जो आपके बिजनेस से जा रहे हैं, अगर गुड्स आपके बिजनेस से जाएगा आउट होएगा तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, और हमने केस के अंदर सेल किया हुआ है, इसका मतलब क्या हो रहा है, पैसा हमारे बिजनेस के अंदर है जो आ रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन के अंदर अब केस अब क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अब इसके ट्रांजेक्शन हमारे पास क्या रहने वाली है, केस अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेल। अमाउंट की बात करें तो 500 रुपये हमारा केस का अकाउंट है जो डेबिट हो जाएगा, और 500 रुपये जो हमारा गुड सेल का जो अकाउंट है वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा, अमाउंट्स आपकी दोनों साइड है जो इक्वल चलेगी। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की अगर हम देखते हैं, बी इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम अमित कुमार, इंटरेस्ट रिसीव यानी कि इंटरेस्ट, यानी कि एक तरीका क्या हो गया, हमने अमित कुमार से 50 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ है, हमने ये कहीं पे नहीं लिखा भी हमने 500 रुपए का नगद ब्याज प्राप्त किया। ट्रांजेक्शन को थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्या ट्रांजेक्शन क्या करिए, इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम अमित कुमार, यानी कि इंटरेस्ट अमित कुमार से 50 रुपए इंटरेस्ट हमें मिलेगा। ठीक है, मिलेगा तो इसका मतलब क्या हो गया, अब ये इंटरेस्ट है, अब इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, ब्याज हमें प्राप्त हो रहा है, हमारी कंपनी को प्राप्त हो रहा है, तो इसलिए अब इंटरेस्ट की कहानी अब क्या बनने वाली है, हमारी कंपनी के लिए इनकम बन रही है, यानी कि ये नॉमिनल अकाउंट बन रहा है इंटरेस्ट का आपका यहाँ पे, और अमित कुमार क्या है, पर्सनल अकाउंट है। अब ब्याज हमें प्राप्त किसे होगा, अमित कुमार से, तो यानी कि ये 50 रुपीज हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, अमित कुमार के अकाउंट में तो करेंगे डेबिट, और
इंटरेस्ट, अब हमें ये कहेगा भी ये गिवर है, ये दे रहा है, हम इसको क्रेडिट क्यों नहीं किया? इसलिए क्रेडिट क्यों नहीं किया क्योंकि इसने 50 रुपये हमारे को कोई केस नहीं दिया। एक ट्रांजेक्शन हमने इससे पहले नोट करी थी जिसको हम देखते हैं, ये वाली द केस रिसीव फ्रॉम अमित कुमार, यहां से हमने इस पे नगद पैसा लिया था, तो हमने केस के अकाउंट को डेबिट किया और अमित कुमार के अकाउंट को क्रेडिट किया। और यहां जो ट्रांजेक्शन हो रही है वो इंटरेस्ट की हो रही है, हमने ये नहीं लिखा भी अमित कुमार से 50 रुपये नगद प्राप्त किए, हम लिख रहे हैं भी हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ है किससे, अमित कुमार से। अगर हम लिखते हैं भी केस रिसीव हुआ है इंटरेस्ट, फिर कंडीशन में क्या बनेगी, केस का जो अकाउंट है वो क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट अकाउंट हमारा क्रेडिट और केस डेबिट। लेकिन अब केस का ट्रांजेक्शन यहां पर कुछ नहीं हो रहा, और तो इस कंडीशन में हम डेबिट फिर वापस किसको करेंगे, अमित कुमार को। अब इंटरेस्ट हमारा इनकम है और इनकम हमें रिसीव हो रही है तो क्रेडिट होती है, क्योंकि इनकम क्रेडिट है तो आपके एक्सपेंसेस यानी कि बिजनेस के जो भी खर्चे हैं वो आपके डेबिट होंगे। तो हम इसके ट्रांजेक्शन क्या लिखेंगे, अमित कुमार अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव, अमाउंट आपके लिए बराबर रहेगी दोनों साइड के लिए, अमित के अकाउंट में 50 रुपये डेबिट करेंगे और इंटरेस्ट के अकाउंट को हम 50 रुपये से क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की अगर बात करें, इंटरेस्ट पेड टू MS ट्रेडर्स, यहाँ हमने इंटरेस्ट रिसीव किया था और यहाँ हम इंटरेस्ट यानी कि ब्याज हम दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, MS ट्रेडर्स को। अब इंटरेस्ट इस कंडीशन के अंदर हमारी कंपनी के लिए क्या है, नॉमिनल अकाउंट तो है बट ये हमारी कंपनी के लिए अब ये खर्चे का पार्ट है, एक्सपेंसेस, ठीक है, खर्चा हो रहा है तो खर्चा किस वजह से हो रहा है, इंटरेस्ट का, और इंटरेस्ट दे किसको रहे हैं, MS ट्रेडर्स को। तो अब इसकी कंडीशन में क्या रहने वाला है, हमने ये नहीं लिखा भी हमने कोई केस नगद दिया है, यानी कि हमने उसके अकाउंट्स के अंदर एक बारी डिपॉजिट करेंगे, तो अभी इंटरेस्ट का अकाउंट हमारे लिए खर्चे का पार्ट है, तो अब इसकी एंट्री क्या करने वाले हैं, इंटरेस्ट पेड अकाउंट डेबिट टू MS ट्रेडर्स, अमाउंट 100 रुपीज, और MS का ट्रेडर्स के अकाउंट में भी 100 रुपीज क्रेडिट करेंगे। क्योंकि अब आप यहाँ पे देखोगे भी ट्रांजेक्शन को अगर हम देखें भी इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट दिया है किसको दिया है, MS ट्रेडर्स को, तो आप कहेंगे भी हमने ये तो हमारे से फिर लेने वाला हो गया, ये हमारे से रिसीवर है तो रिसीवर को तो हम डेबिट करते हैं, लेकिन रिसीवर को हम डेबिट तभी करेंगे जब अगर हम उसको कोई केस या फिर कोई गुड्स अगर सेल करेंगे तो उस कंडीशन के अंदर ही हम रिसीवर को डेबिट करते हैं, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, उसको इंटरेस्ट दे रहे हैं, यानी कि हमारी कंपनी है तो उसको हमने कोई कैश दे रहे हैं नहीं, उसको कोई सामान भेज रहे हैं, हम इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं, यानी कि हमने उसको गुड्स परचेज किया है, उसकी अमाउंट ड्यू थी उसके ऊपर हम इसने इंटरेस्ट चार्ज किया है, तो हमने इंटरेस्ट चार्ज किया तो इंटरेस्ट हमारी कंपनी के लिए क्या बन चुका है, खर्चा बन चुका है, हमने पेड किया है, भुगतान किया है, और पेड करना किसको है, MS ट्रेडर्स को, तो हमने MS ट्रेडर्स के अकाउंट के अंदर ये क्रेडिट कर दी, यानी कि जो भी ट्रांजेक्शन रहेगी MS ट्रेडर्स के अकाउंट के अंदर ये क्रेडिट हो जाएगा। अब जो भी बैलेंस रहेगा लेजर बनने के बाद में तो उसके अंदर ये 100 रुपये और इसके क्रेडिट हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम गोल्डन रूल को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। एक बार हम दोबारा देख लेते हैं भी पर्सनल अकाउंट के अंदर क्या होता है, भी जो जिसने हमारे को सामान या पैसा दिए है तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या करते हैं, उसके क्रेडिट करेंगे। रिसीवर कौन होता है, जिसने हमारे से सामान खरीदा हो या हमारे से केस लिया हो वो हमारे लिए रिसीवर होता है, तो उस कंडीशन में पर्सनल अकाउंट को हम डेबिट करते हैं। रियल अकाउंट के अंदर सामान या पैसा, ठीक है, अब ये सामान, अब सामान आपका कुछ भी हो सकता है, चाहे आपने वो रीसेल पर्पज से खरीदा हो, चाहे आपने वो कोई एज ए फिक्स्ड एसेट के रूप में खरीदा हो, बिजनेस के अंदर सामान आपका आया है वो आपका डेबिट ही होगा, केस आपके पास आई है तो केस हमेशा डेबिट होगी, और गुड्स और कैश अगर क्रेडिट आउट होगा बिजनेस से तो उस कंडीशन के अंदर क्रेडिट होगा, और नॉमिनल अकाउंट के अंदर हमारे बिजनेस के सभी खर्चे और सभी हमारी बिजनेस की इनकम, इनकम हमेशा क्रेडिट रहेगी और एक्सपेंसेस यानी कि जो भी खर्चे रहेंगे वो हमारे डेबिट रहेंगे। तो इस तरीके से एक ट्रांजेक्शन अगर हम और देखें, मान लीजिए हमने SBI बैंक के अंदर 2000 रुपये का कैश डिपॉजिट करवाया है, यानी कि हम लिख देते हैं कैश डिपॉजिट इन SBI बैंक 2000। अब इस कंडीशन के अगर इसकी स्टोरी को समझें, कैश डिपॉजिट इन SBI बैंक यानी कि हमने
बैंक को पैसा दिया है, तो इस कंडीशन के अंदर क्या रहा है, कैश हमारे बिजनेस से जा रहा है, यानी कि हमारे आउट हो रहा है, और ये पैसा गया कहाँ पर है, SBI बैंक के अंदर। तो अब ये बैंक कौन सा हो गया, पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट को अगर हम कोई पैसा या सामान देंगे तो उसके खाते में उसको डेबिट करेंगे। तो अब इसकी ट्रांजेक्शन हमारे लिए क्या बनने वाली है, SBI बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश का अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। और अमाउंट की अगर हम बात करें तो अमाउंट दोनों के लिए बराबर रहेगी, 2,000 रुपये SBI अकाउंट के अंदर डेबिट करेंगे तो कैश के अकाउंट के अंदर 2,000 रुपये हम क्रेडिट करेंगे। अमाउंट दोनों के लिए बराबर है, बस मेन बात आपको यही है भी गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग आपके सामने कोई भी ट्रांजेक्शन लिखी भी है तो उस ट्रांजेक्शन का डेबिट का मतलब और क्रेडिट किस कंडीशन में होगा वो आपको आना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी बचती है आज की इस क्लास से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पूरी कोशिश करेंगे आपकी कमेंट की रिप्लाई देने की। और वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना।